हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आशा किचन। तो चलिए फ्रेंड, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट बनाइए ये रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और इधर हम गैस जला देंगे और इस पैन को चढ़ा देते हैं। इसको हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। तो ये देखिए गर्म हो गया है, तो हम इसमें ये एक कटोरी चीनी है, एक कटोरी से कम है, ये डाल देंगे और गैस को स्लो कर देंगे और इसको चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो ये रेसिपी अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। और मैं आप लोगों के साथ में इसलिए वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैं एक दो बार इस तरह से बनाया है मैंने, तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो रही है, लेकिन हम इसमें एक दो बूंद पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारी चीनी जले ना। और अब इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने देते हैं। तो ये देखिए हल्की सी चीनी मेल्ट हो गई है। और तो अब इसी में हम एक चम्मच घी डाल देंगे और इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और चीनी को और मेल्ट हो जाने देते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए बढ़िया से मेल्ट हो गई है चीनी और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हमें इतना ही कलर चेंज करना है और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे, तो दूध धीरे धीरे करके डालेंगे क्योंकि ये गर्म है, तो इस तरह से छींटा भी ना पड़े। तो ये फुल क्रीम दूध है और ये आधा लीटर है, ये मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसको चलाएंगे। तो चीनी अभी हमारी जम गई है इसलिए, क्योंकि ठंडा दूध पड़ा है ना इसमें, और जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी तैसे तैसे ये पिघलती जाएगी। तो दूध को हम बढ़िया से उबाल लेते हैं, गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये जो हमारी चीनी है वो चलाते हुए मेल्ट होती रहे। तो दूध ये मैंने फ्रिज में रखा था तो ठंडा है थोड़ा सा, तो जब ये गर्म होगा तभी हमारी चीनी ये पिघलेगी। तो ये देखिए दूध हमारा बॉयल हो रहा है और जो चीनी मैंने पिघलाई थी वो सारी चीनी इसमें पिघल गई है, अब कोई भी इसमें दाने नहीं रहे हैं। तो गैस को हम स्लो कर देंगे और दूध को ऐसे ही पकने देंगे। तो जब तक यहाँ दूध पक रहा है तब तक हम इधर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे, घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। ये हमारा गर्म हो गया है, थोड़े से हमने ये ड्राई फ्रूट लिए ये डाल देंगे। मैंने तीन चीज़ें ली हैं, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। मैंने किशमिश लिया है, थोड़े से बादाम लिए और थोड़े से काजू लिए। तो इनको भून लेंगे बढ़िया से जब तक किशमिश अच्छे से फूल नहीं जाते हैं। तो ये देखिए किशमिश कैसे फूल गए हैं बढ़िया से। तो अब हम इनको एक तरफ कर लेंगे और गैस को अभी बंद कर देंगे और इनको एक तरफ करके थोड़ा सा घी इसमें निचुड़ जाना चाहिए, इसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसमें घी अभी है तो इसी में हम ये एक कटोरी सेवैयाँ लिए हैं ये डाल देंगे और इनको बढ़िया सा रोस्ट कर लेंगे अच्छे से कलर आ जाने तक। तो इनको धीमी आंच में ही भुने, बहुत अच्छी भुनेंगे, तेज आंच में जल जाती हैं, खुशबू अच्छी नहीं आती है। तो ये देखिए हमारी सेवैयाँ जो हैं ये हमने बढ़िया से भून लिया है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इन्हें हमने धीमी आंच में भूना है तो ये अच्छी खुशबू देने लगी हैं। और गैस को बंद करेंगे और इनको चलाते रहेंगे एक दो मिनट तक ऐसे ही, ताकि जो भी थोड़ा सा कलर एक आध नहीं वैसी हुई हैं तो ये भी लाल हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर धीमी आँच में आप लोग भून के बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी सेवैयाँ बनती हैं। इधर हमारा दूध भी अच्छे से पक रहा है, तो ये देखिए दूध पक रहा है और जो मैंने चीनी पिघलाई थी उससे इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो इस तरह से अगर आप अपनी सेवैयाँ बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती हैं और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी हम लोग सिंपल बना के जब खाते हैं तो उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो ये लीजिए हमारी सेवैयाँ भी भुन गई हैं, तो अब इनको हम इसमें डाल देंगे। तो इसी हम कंचुली से इस तरह से डालते जाएंगे और इन्हें चलाते जाएंगे। तो संभाल के डालें क्योंकि ये थोड़ा सा जब पड़ती हैं ना तो
दूध थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो इस तरह से सारी सेवैयाँ हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए सारी सेवैयाँ मैंने इसमें डाल दिया है, और अब इन सेवैयों को बहुत अच्छे से धीरे धीरे पकाएंगे। थोड़े से मैंने इलायची के दाने लिए हैं, ये डाल देंगे। आपके पास पाउडर हो पाउडर डाल सकती हैं, और जो हमने ड्राई फ्रूट तल के रखे थे तो एक दो चम्मच हम इसमें अभी डाल देंगे, बाकी के बाद में डालेंगे। तो इसको धीमी कर देते हैं, उबाल आ चुका है, तो अब इसे हम धीमी आँच में पकाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये सेवैयों का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा, तो इनको पकने देते हैं धीमी आँच में। तो ये देखिए हमारी सेवैयाँ बनके तैयार हो गई हैं, हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए। और ये सेवैयाँ देखिए बहुत अच्छी बनके तैयार हुई हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रख देंगे तो ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएंगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएंगी। तो आपको अगर गरम गरम खाना है तो आप गरम गरम खा सकते हैं, अगर आपको एकदम ठंडी करके खाना है तो आप इनको थोड़ा सा बाहर रख दीजिए, हल्का सा ठंडा हो जाए, इसके बाद आप फ्रिज में रख के खाइए। तो ये हमारी सेवैयाँ बनी हैं एकदम जैसे गुड़ की सेवैयाँ नहीं बनाते हैं हम, गुड़ की खीर, गुड़ की सेवैयाँ। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हम जब दूध में गुड़ डालते हैं तो हमारा दूध फट जाता है। तो अगर आपको दूध फटना नहीं है, मतलब अगर आपको गुड़ के टेस्ट के खाने हैं, तो आप इस तरह से बनाइए, आपका दूध बिल्कुल नहीं फटेगा। तो इन्हें देखिए मैंने ठंडा करके निकाल लिया है, मतलब इसको ठंडा कर लिया है, और मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल दिए हैं, थोड़े से पिस्ता का चूरा मैंने डाल दिया है, और देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब हैं, एकदम सौंधी सौंधी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।